गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने शैक्षिक विचारकों में टैगोर के शिक्षा दर्शन को देखना प्रारंभ किया था, जिसके अनुसार टैगोर हमने कल के वीडियो में टैगोर के परिचय, उनके जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन और उसके अनुकूल उनके शिक्षा के सिद्धांतों पर हमने चर्चा की। टैगोर की कल के उस वीडियो में हमने देखा था कि टैगोर का जो जीवन दर्शन है वह मानवतावादी था, व्यक्तिवादी था, प्रकृतिवादी था, प्रयोजनवादी था, मूल और आदर्शवादी भी था, क्योंकि वे अन्य ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे कि प्रकृति से वास्तविक संबंध के साथ में ही शिक्षा, यानी शिक्षा के अंतर्गत प्रकृति को सम्मिलित करने पर विशेष बल देते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे, इसीलिए वे व्यक्तिवादी भी दोस्तों स्वयं की उसको अपनी स्वतंत्रतावादी थे और व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के अनुसार बढ़ने के अवसर देने का के पक्षधर थे, अर्थात कि वे व्यक्तिवादी विचारों के समर्थक। उसी आधार पर उनका शिक्षा का सिद्धांत हमारे सामने निकल कर आया। अब जब शिक्षा के अर्थ की जहाँ बात आती है तो हम ये जानते हैं कि टैगोर ने शिक्षा से संबंधित, क्योंकि उनके ऊपर शिक्षा हर क्षेत्र का बहुत अधिक प्रभाव था, स्वाभाविक रूप से बढ़ने और सीखने के वे पक्षधर थे, तो शिक्षा का अर्थ भी उनका उसी दृष्टिकोण से हमारे सामने। हम शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार थे उसको हम देखेंगे कि टैगोर का क्या कहना था कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, अपितु हमारे जीवन का हमारे अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल को बढ़ावा देती है, मेल को बढ़ावा देती है। यानी कि अगर टैगोर की इस परिभाषा को हम देखते हैं तो सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, जो केवल सूचना या और ज्ञान ही प्रदान नहीं करती है, यानी कि शिक्षा केवल सूचना या ज्ञान प्रदान करने का ही कार्य नहीं है, अपितु इससे और अधिक है। और अधिक क्या है कि हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल को बढ़ावा देती है, हमारे जीवन का, यानी कि एक व्यक्ति को उसके आसपास समस्त जीव, चाहे वो मनुष्य है या चाहे पशु पक्षी है, समस्त जीव यानी कि प्राणी मात्र के साथ में मेल को यानी कि समायोजन को बढ़ावा दे, यानी कि सभी के साथ में समायोजित कर लेने की क्षमता का विकास कर पाए, वही शिक्षा होती है। और किसी केवल ज्ञान में वृद्धि कर दे उसे हम शिक्षा नहीं कहते। टैगोर
की इस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि वे शिक्षा के प्रति क्या विचार रखते थे। उसी आधार पर उनके शिक्षा के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे कि टैगोर ने शिक्षा के, चूंकि वे केवल ज्ञान को ही शिक्षा का आधार नहीं मानते थे, शिक्षा नहीं मानते थे, तो वे सभी के साथ समामेल यानी कि समायोजन मिल सके, सबके साथ संबंध स्थापित कर सके, ऐसी शिक्षा ही को उन्होंने शिक्षा के रूप में परिभाषित किया था। तो उद्देश्य भी उनके उसी के अनुरूप होंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहला है एकीकृत विकास। एकीकृत विकास की मूल की सबसे पहली बात थी, शिक्षा का उद्देश्य यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का एकीकृत विकास कर सके, अर्थात ज्ञान जिसको कि एक रूप में माना गया है उसको अलग अलग भागों में मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। तो उसी दृष्टिकोण को, उसी दृष्टिकोण से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि एकीकरण के विकास में यानी कि बहु विषयी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। कहने का मतलब ये था कि किसी एक विषय की शिक्षा लेकर और उसी में महारत हासिल कर लेने को उन्होंने शिक्षा नहीं कहा है, बल्कि इस एक विषय को समझने के लिए अन्य जो 3, 4, 5, 6 जितने विषय हैं उनका सहयोग लेते हुए इस विषय को समझा जाए, यानी कि इनका भी अध्ययन किया जाए, कि इस विषय की स्वतंत्र सत्ता अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि ये अन्य विषय इसके सम्मिलित नहीं है या इनका सहयोग इनको नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने बहुपक्षीय शिक्षा पर उन्होंने बल दिया कि किसी एक पक्ष पर आधारित शिक्षा संभव नहीं है, अलग अलग पक्षों को उसमें सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। इसीलिए बहुपक्षीय शिक्षा यानी कि एक एक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। दूसरी बात आती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि टैगोर ने जो दूसरा उनका था कि बालक को शिक्षा, वह शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा जो बालक के शारीरिक विकास में उसको सहयोग कर सके, शारीरिक विकास की जानकारी उसे प्रदान कर सके, उस विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उसे प्रदान कर सके, उसके शारीरिक विकास से संबंधित जो अभ्यास है उस अभ्यास को करने में सहयोग कर सके, वही शिक्षा शिक्षा होती है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य बालक के शारीरिक विकास में सहयोग प्रदान करना होता है। दूसरा, तीसरी बात आती है मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि एक व्यक्ति का ये कहा जाए कि शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास भी होना चाहिए। मानसिक विकास कब होगा, जब बालक को स्व अनुभव के माध्यम से सीखने के अवसर दिए जाए, अर्थात कि बालक किसी भी कार्य को देखता है, किसी कार्य को सीखना है तो उसके लिए, जैसे हम कहते हैं कि पानी में जब तक बालक को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक वह तैरना नहीं सीखेगा। अब तैरने के लिए आप उसे थोड़ा सा सहारा अवश्य दे सकते हैं, लेकिन तैरना कैसे है यह चीज तो बालक को स्वयं ही अभ्यास के माध्यम से सीखनी होगी। तो वही चीज यह है कि बालक के मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है कि बालक को सीखने के लिए स्वयं के अनुभवों को एकत्रित करने के अवसर मिले और स्वयं के अनुभव के आधार पर वो सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। अर्थात बालक शिक्षा का उद्देश्य है कि
कि वह बालक का मानसिक विकास कर सके, अर्थात उसे अनुभवों का जो एक संकुल जिसकी आवश्यकता होती है वह संकुल निर्मित करने में सहयोग कर सके। अगली बात आती है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नैतिक व नैतिक व आध्यात्मिक विकास यानी कि शिक्षा का जो अगला उद्देश्य है वह है बालक का नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकास करना, यानी कि उसमें नैतिक संस्कारों का विकास करना, नैतिक मूल्यों की उसे जानकारी देना, उनके पालन के तरीके को बताना, पालन अवमानना से होने वाले दुष्प्रभावों से परिचित कराना, फिर बाद में उसमें आध्यात्मिकता के, क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता की भावनाएं उसमें नहीं होंगी, आध्यात्मिक गुण उसमें नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बालक में एक नैतिक संस्कारों के विकास या स्वाध्याय की आदत या मानसिक विकास की प्रक्रिया पूर्ण या संभव हो सकती है। इसीलिए बालक के विकास में आध्यात्मिक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए टैगोर के शिक्षा के उद्देश्यों में शिक्षा का उद्देश्य है कि वह बालक ऐसी शिक्षा को जो बालक के नैतिक विकास कर सके और उसमें आध्यात्मिक नैतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से उसका विकास कर सके। अगली बात है वातावरण के साथ अनुरूपता। वातावरण के साथ यानी कि वातावरण के साथ समायोजन कर सके, कैसा भी कहीं का भी वातावरण हो बालक उसके साथ समायोजन कर सके, शिक्षा इसी समायोजन के लिए उसे तैयार करती है या तय समायोजन करना सिखाती है। फिर आता है आजीविका बनाना। आजीविका बनाना यानी कि बालक अपनी आजीविका का संसाधन स्वयं जुटा सके। बालक को शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को इस तरह से तैयार करें, इस तरह से प्रशिक्षण करें कि बालक अपनी आजीविका को स्वयं जुटा सके या रोजगार प्राप्त कर सके, बेरोजगार ना रहे। अब और अंतिम उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। शिक्षा का अगला उद्देश्य है कि बालक के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास कर सके, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी अन्य सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, आदर्श, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, इन सभी की जानकारी उसे प्राप्त हो और उनके प्रति उसमें आदर, सम्मान और सहयोग की भावना का विकास, अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा उसको इस तरह से प्रशिक्षित करे कि बालक का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय यानी कि यही कि अपने ही क्षेत्र में सीमित रह जाए, बाहर निकलने के जो है अन्य देशों के संबंधित जानकारी को प्राप्त करना, जुटाने की एक जिज्ञासा या वहां के कार्यों में सहयोग करना या वहां से सहयोग प्राप्त कर लेने की एक प्रवृत्ति है, उसका विकास किया जा सकता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय, और ये सब कुछ तब होगा जब बालक में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण होगा। तो टैगोर के अनुसार इन शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया कि जब इन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है, इस पर चर्चा करी। तो पाठ्यक्रम जहाँ तक आता है पाठ्यक्रम में, क्योंकि जब शिक्षा के उद्देश्य व्यापक थे, उनकी शिक्षा का अर्थ प्राकृतिक रूप से बालक के स्वयं अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार करने वाली बात थी,
तो निश्चित है कि पाठ्यक्रम भी वैसा ही होना चाहिए। तो उसी आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को हमारे सामने रखा। तो सबसे पहला विषय था सामाजिक विज्ञान। यानी कि सामाजिक विज्ञान वो विषय जिसके अंतर्गत समाज से संबंधित जितने भी जुड़े हुए विषय हैं। अब वो विषय कौन से जिस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, वह था इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। ये वे विषय हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के मध्य से ही निकल कर आते हैं, या कि यो कहा जाए कि समाज से सीधा सीधा इनका संबंध होता है। तो इन विषयों से संबंधित जानकारी, क्योंकि जब तक वो अपने समाज, अपने प्राकृतिक वातावरण, अपने आर्थिक वातावरण को नहीं समझेगा, तब तक वह कहना चाहिए कि उसकी शिक्षा को पूर्ण, क्योंकि सर्वांगीण अनुभव, अनुभवों की सर्वांगीण विकास और अनुभव, अनुभव कहाँ से होगा, जब तक इनके संपर्क में नहीं आएगा, इनके बीच में नहीं जाएगा, तब तक उसे अनुभव प्राप्त नहीं होगा। और इसी अनुभव के एक भंडार को इकट्ठा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय को स्थान दिया कि शिक्षण कार्य जिन उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति सामाजिक विज्ञान विषयों से संभव हो सकती है। दूसरा है विज्ञान। एक तरह से कहा जाए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण नैतिक संस्कारों के विकास से आगे बढ़कर भौतिक विकास भी बालक का महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि उनका क्या था, उनका सिद्धांत क्या था कि पूर्व की आध्यात्मिक और पश्चिम की भौतिकता, भौतिकवाद में समायोजन करना, तो उसके लिए अनिवार्य है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ में विज्ञान विषय भी बालक को उतनी ही महत्व के साथ में पढ़ाया जाए जितना कि इन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनसे बालक अपने समाज या संस्कृति के बारे में जानता है, उनसे जुड़ता है, और उसके विकास के लिए नवीन अनुसंधान या नवीन प्रयोगों के लिए उसे विज्ञान जैसे विषयों की आवश्यकता होती है। तो वह भौतिकवाद से जुड़ने के लिए विज्ञान विषयों के अध्ययन पे उन्होंने पाठ्यक्रम के अंदर इस विषय को भी स्थान दिया और इसे भी महत्वपूर्ण माना। अगली बात है भाषा। भाषा, भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी होना बालक के लिए अनिवार्य है। आम बोलचाल में या पारिवारिक रूप से मदर टंग, जिसको हम कहते हैं मातृभाषा जो है, हम उसमें एक जानकारी हमें अच्छी होती है, हम भाषा को जानते हैं, लेकिन उस भाषा के कुछ तकनीकी पक्ष होते हैं, उन्हें समझना भी बालक के लिए बहुत अनिवार्य। और भाषा में केवल अपनी ही मातृभाषा तक बालक का सीमित रह लेना अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास के लिए भाषा के विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यानी कि भाषा बालक को पढ़ाई जानी चाहिए। अगला है व्यावसायिक और तकनीकी विषय। व्यावसायिक व तकनीकी विषय, यानी कि व्यावसायिक व तकनीकी विषय। व्यावसायिक विषय यानी कि जिनमें वे विषय जिनसे बालक एक व्यवसाय को चुन सके और रोजगार प्राप्त कर सके। तकनीकी विषय यानी कि वे तकनीकी विषय जिनसे कि बालक में किसी विशिष्ट कौशल के विकास में सहयोग मिल सके। अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक और तकनीकी विषयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। और अंतिम बात जो उन्होंने कही पाठ्यक्रम में वह है हस्तकला, यानी कि हस्तकला जैसे विषयों को भी उन्होंने स्थान दिया, क्योंकि ये वे विषय हैं जिनसे बालक व्यावसायिक शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हस्तकला विषयों को भी एक विषय के रूप में उन्होंने स्थान दिया। अगली बात शिक्षण विधियों की आती है।
कि जब इस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, उसके उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, तो इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे। शिक्षण भी शिक्षण विधियों की जहां तक बात आती है, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली शिक्षण विधि है क्रिया विधि। क्रिया विधि यानी कि जिसके अंतर्गत बालक को कार्य करने के अवसर मिल सके या उसमें किसी प्रकार की क्रिया के समस्त साधन उपलब्ध हों, वह क्रिया विधि इसमें विधि का उपयोग करना चाहिए। यानी कि बालक को कार्य करने के जो आवश्यक बिंदु है उसका उसमें सम्मिलित होना चाहिए, जिनके माध्यम जिन पर चलकर बालक कोई कार्य कर सके, यानी कि जिसमें श्रम की प्रति जो कहना चाहिए कि निष्ठा की भावना है उसका विकास हो सके। फिर बाद में है खोज विधि। खोज विधि यानी कि बालक स्वयं किसी चीज को खोजे, जैसे कि हमने कहा कि बीज को जमीन में रोपने से बीज में अंकुरण होता है और उससे पौधे उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ये देखने का कि ये पौधे जो हैं वो किस तरह सीधा बीज डाला जाए तब भी और उल्टा बीज डाला जाए, क्या दोनों ही परिस्थितियों में बीज उग सकता है, तो उस चीज को खोज विधि जो है खुद स्वयं खोज कर और उसका पता लगा सकता है। तो कहने का मतलब ये तो अनुभव आधारित हो गई, खोज विधि नहीं हुई। खोज विधि में बालक किसी चीज को खोजे, जैसे कि हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के अवशेष, तो ये अवशेष के अमुक स्थान पर वह अवशेष है, तो वह वहां जाकर उन अवशेषों को खोजेगा, तो स्वयं उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। तो वही चीज है कि खोज विधि यानी कि बालक को स्वयं ढूंढ लेने के अवसर खुद के अमुक, तो जब तक वो खुद ढूंढेगा तभी उसको अनुभव प्राप्त होंगे या स्वयं उसके हर छोटी छोटी चीज पर उसको चीज का अनुभव उसे प्राप्त हो सकता है। अगली बात उसमें है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि अब जैसे हम कहते हैं कि हमको राजस्थान के सामरिक महत्व के, या यूं कहा जाए कि राजस्थान का जो सिंह माना जाता है चित्तौड़गढ़ का किला, तो अब उसके बारे में जानकारी हम किताबों में कितनी भी देख लें, लेकिन सही जानकारी बालक उस क्षेत्र पर जाकर ही, उस किले पर जाकर ही हासिल कर सकता है, तो वहां तक उसको भ्रमण करना होगा। तो ये भ्रमण विधि भी शिक्षा की एक स्वतंत्र विधि है, जिसमें कि बालक अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वेच्छा से और अपनी योग्यता के अनुसार आसानी से सीख सकता है। फिर बाद में आता प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जैसे अभी बीज वाला उदाहरण हमने दिया था, जो यहाँ खोज विधि में नहीं था, वो इसके लिए है, इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि खोज बालक स्वयं अनुभव करता है कि उल्टा बीज बोने से भी क्या पौधा उग सकता है या सीधा बीज बोने से ही पौधा उगेगा। तो यही चीज है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है बालक प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। फिर बाद में आता है अवलोकन। अब अवलोकन जैसे हमने कहा कि अमुक जगह पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इसी तरह के हैं, तो बालक वहां जाएगा, उनको अवलोकन करेगा, जो कुछ उसने सुना जाना है उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से वो जांच करेगा कि क्या अवलोकन करेगा, उसको खुद देखेगा, खुद पहचानेगा, खुद उसके बारे में निष्कर्ष निकालने की क्षमता होगी, जिससे कि वह सही नतीजे पर या उस ज्ञान को हासिल कर पाएगा। अगला है प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्नोत्तर निश्चित है कि जब तक बालक प्रश्न नहीं करेगा उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, या शिक्षक प्रश्न नहीं करेगा तो बालक को अपनी कितना उसको हासिल है उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि भी शिक्षण के लिए बहुत अच्छी विधि है। फिर बाद में आता है कहानी। कहानी विधि
उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, कहानी दी थी वो माध्यम है जिससे कि बालक बहुत रुचि से हर विषय को हर बात को सुनता और समझता है। फिर वाद विवाद, वाद विवाद भी नहीं, और अंतिम है खेल, ठीक है ना। यहाँ पर बालक को पक्ष विपक्ष में बात रखने का, जो उसको समझ में आया उसके संबंधित वाद विवाद करके और स्वयं सीखने के अनुभव, क्योंकि जब दो समूहों के बीच में वाद विवाद कर रखा जाए तो बालक हर व्यक्ति अपने अनुभव वहां पर शेयर करता है। जब एक व्यक्ति अपने अनुभव शेयर करता है तो दूसरों को उसके अनुभव से सीखने को मिलता है। तो वही चीज है कि वाद विवाद के माध्यम से बालकों को सीखने के, और अंतिम जो है खेल विधि, खेल के माध्यम से बालक को सीखने के सभी अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि बालक को खेल विधि एक बहुत रुचिकर विषय विधि होती है जिसमें बालक स्वयं खेलकर स्वयं के आधार पर आसानी से सीख सकता है। आशा करती हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि टैगोर के अनुसार जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित किया और उसका विधियों को बताया, वो चीज आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर हमारा प्रश्न रहेगा, टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा देते हुए शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को, शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा देते हुए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौरान में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर भी घर से बाहर निकले, घर से बाहर अगर निकलना ही है तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज कर दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।